दुनिया को अभी नोवेल कोरोना वायरस से जूझते हुए साल भर भी नहीं हुआ है, मगर इसके नए रूप दहशत बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन में मिले एक और नए ज्यादा संक्रमक वेरिएंट का दक्षिण अफ्रीका से लिंक पाया गया है। ये नए स्ट्रेन्स क्या हैं और इनसे कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई पर कितना असर पड़ेगा, क्या इन पर वैक्सीन असर करेगी, ऐसे कई सवाल हम सभी के जहन में हैं। आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया भर में नए कोरोना स्ट्रेन के आने से भारत पर भी असर पड़ा है और भारत के हिमाचल प्रदेश में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन से आए 15 लोगों की हिमाचल प्रदेश में तलाश चल रही है। हिमाचल प्रदेश में नए कोविड स्ट्रेन को लेकर बुरी तरह हड़कंप मच गया है। कैबिनेट में नए वायरस की चर्चा के बाद प्रदेश सरकार ने डीसी और सीएमओ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ब्रिटेन केरल के बाद दिल्ली में नए कोविड स्ट्रेन वायरस की पुष्टि हुई है, ऐसे में सरकार ने सतर्क रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि यह वायरस पुराने कोरोना वायरस से 70% की रफ्तार से फैलता है। उल्लेखनीय है कि नए वायरस को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है। इसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ लगातार बात हो रही है। यह मामला ब्रिटेन में देखा गया है। बताया जा रहा है कि देश में जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो इस वायरस से लड़ने में सक्षम है। ब्रिटेन में फैल रहा कोरोना वायरस का नया प्रकार पहले से ज्यादा घातक है और इससे ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले प्रकारों की तुलना में वायरस का ये नया स्ट्रेन 56% से भी अधिक तेजी से फैलता है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इंफेक्शियस डिजीज की एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि इससे कम या ज्यादा गंभीर बीमारी होती है। ब्रिटेन की सरकार ने इससे पहले कहा था कि वायरस का यह नया प्रकार पिछले प्रकारों की तुलना में 70% अधिक फैलने वाला है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार पैट्रिक वॉलेंस ने 19 दिसंबर को कहा था कि इसके लगभग 2 दर्जन टाइप हैं जो कोरोना वायरस द्वारा बनाए गए प्रोटीन को प्रभावित कर सकते हैं। इसने चिंता जताई कि परीक्षण, उपचार और टीके जो अभी अभी शुरू हुए हैं कम प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि यूरोप के स्वास्थ्य नियामक ने कहा कि वेरिएंट शायद पहले वाले से ज्यादा अलग नहीं है, जिससे कि फाइजर इंक और बायोटेक एसी के शॉट के प्रभाव में किसी तरह का कोई असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और सिंगापुर सहित देशों में भी स्ट्रेन की खोज की गई है। भारत अब इस नए खतरे से जूझने के लिए शायद हमें तैयार रहना